Hey guys, this is Kaushal Goswami and welcome back to our new episode. दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने मैं बोन फायर में बैठा हूँ, बट ये बोन फायर नहीं है, ये हमारा चूल्हा है जिसमें आज हमारे अर्नब दादा बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट चिकन लटपट। और हम अभी रुके हुए हैं दंडक होम स्टे में और इसका कंप्लीट जो एक्सप्लोरेशन है वो मैं सुबह दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल अभी आप देखिए चिकन, और अगर खाना खाने का वक्त है शाम का 7-8 बज रहा होगा या फिर दोपहर का वक्त होगा, बहुत तेज भूख लग रहा होगा तो बहुत मजा आएगा क्योंकि ना देख के मुंह में स्वाद आने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। क्या क्या लगते हैं अड़ो बाबा लटपट में? लटपट में देखो सब तो जानते ही होंगे, सब बनाते होंगे घर में, अदरक लहसुन प्याज टमाटर मिर्ची ये तो कॉमन है, मसाला वगैरह है, और बाकी लकड़ियाँ बनाने का अलग स्वाद आता है, गैस बनाने का अलग स्वाद आता है। हम चालू करते हैं अपना कार्यक्रम। ट्रेवलिंग के दौरान अलग अलग फूड खाने का मिलता है, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, और बेस्ट पार्ट है कि अलग जगह में जाओ, बस्तर में जाओ तो कुछ अलग खाने के लिए मिलता है, दंतेवाड़ा में कुछ अलग यूनिक रहता है, इंडिया से बाहर जाओ तो अलग मिलता है, छत्तीसगढ़ से बाहर जाओ तो, वैसे हर जिले का एक अलग डिश होता है। छत्तीसगढ़ वाले अगर ये वीडियो देख रहे हो भाई बस्तर आओ, बस्तर आओ असली मजा बस्तर में है, असली मजा बस्तर में। आया था सुबह, आएगा सुबह, आएगा चंद रूप में, हाँ सुबह आएगा। उसको पहले अपन जीरा डालते हैं, और अगर आप खड़ा लहसुन खाने के शौकीन हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, इससे क्या कि जो पूरा फ्लेवर है आपके चिकन का चेंज हो जाता है। मिर्ची आ गया, अदरक, हो जाएगा और डाल तो आप देख रहे हो टमाटर जो है पूरा ऑलमोस्ट गल चुका है। हम लोग डालेंगे क्या यार, सबसे पहले अपन डालेंगे हल्दी। ये सब मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कितना कितना डालना है, कम से कम 2 चम्मच क्योंकि 1 किलो चिकन है। मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर भी कम से कम आप डालिए 3 चम्मच। ग्रेवी दे देखो साफ कर लो अपने हिसाब से दाना वाना। अपन पानी मिलाएंगे ताकि जो मसाला अच्छे से पक जाए। वाह शानदार लोकी बाबा, देखो अब आप ग्रेवी का कलर सच में बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइट पास में लाओगे तो और अच्छा, पूरा मिक्स हो गया है, चलो हो गया ना। वाह यार अब देखो थोड़ा देर बाद ना ये रेडनेस आ जाएगा इसमें, जबकि कस्तूरी और लाल कुछ ऐसा लाल मिर्च डालना, कस्तूरी कस्तूरी थोड़ी नहीं, कस्तूरी नॉर्मल लाल मिर्च है, कलर के लिए कुछ नहीं डाला, हाँ कुछ भी नहीं, हल्दी है बस, लाल मिर्च है, बाकी स्मेल तो आपको आ रहा होगा लोकी बाबा। हाँ स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लहसुन ऐसा लग रहा है कि एक करी बन रहा है। नमक स्वाद अनुसार आप जितना खाते हो आपके हिसाब से, अगर आप ग्रेवी बनाते तो थोड़ा ज़्यादा डालो, लेकिन अगर आप सिर्फ मसालेदार बना रहे हो कम नमक से भी हो जाता है। वो तेल छोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया मसाला लटपट का तैयार हो गया है, इसमें डालते हैं हम चिकन।
मसाला पूरा ऑलमोस्ट पक गया है और चिकन भी इसमें डल गया है, लेकिन अभी चिकन को अपने को पकाना है क्योंकि कौशल बाबा भी थोड़ी देर पहले टेस्ट किए तो बोले चिकन और मसाला थोड़ा पकेगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस इसको ढक दीजिए, तो क्या जो आपका मसाला है वो चिकन में पूरा अंदर चला जाएगा और चिकन भी गल जाएगा। बस इसको ढक दो, 10 से 15 मिनट इसको पकने दो आराम से। तब तक हम लोग मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद। मसाला जो है पूरा पक गया है और अभी हमारे शेरपा भाई भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। 100 एकड़ जगदलपुर के आसपास। तो भाइयों अब हो गया हमारे टेस्ट करने का टाइम। ग्रेवी तो फिलहाल एक बार टेस्ट कर लिया हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नया है, फर्स्ट ग्रेवी टेस्ट करता हूँ, है ना। अब भात गुपचुप जैसा लग रहा है। इमली डाल दी रहते ना तो मजा आ जाए। और मजा आता है। इमली बोल चिकन पकाए कि नहीं बाबा? देखो देख रहा हूँ, ग्रेवी से आगे जा नहीं पा रहा हूँ। ग्रेवी में अटक गया। इमली डालने से ये तबाही हो जाता है। यहाँ की बस्तर घर सब्जी में इमली डालता है। नहीं बता रहे हैं इमली डालने से तबाही हो जाता, लेकिन ऐसी ये तबाही आंधी तूफान है। और पकेगा? नहीं पानी डालूंगा और पूछ रहा हूँ। नहीं लटपट है, लटपट है। बेहतरीन यार। ब्रो 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 जुड़े हाथ से ब्रो सलाम। यहाँ तक आया देखो मेरे को टेस्ट करो। भाई करता है, खुद बनाओ खुद खाओ। क्या देखना जरूरी है चिकन पका है कि नहीं, उसको बढ़ाओ ना आगे। हाँ बता दो ना इनको। काका ले सरली, ये तो सरली है। खत्म। बहुत बेहतर। नहीं नहीं है, पूरा दोनों। मैं इतना अच्छा बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और अगर आपको कोई अलग अलग डिश पता है चिकन का तो कमेंट भी करके बताओ हमको, वो भी हम बनाएंगे देसी स्टाइल में। और लकड़ी में जो चिकन बनता है दोस्तों, वाह लाजवाब। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको दूसरे एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। We'll be right back.